हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो S9 Plus था मोबाइल वो गिर चुका था जिससे उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल मैंने एक नया फ़ोन ऑर्डर किया है जो काफ़ी पॉपुलर है। चलिए इस फ़ोन के बारे में आपको बताते हैं। तो मैंने जो ऑर्डर किया है वो क्या है, 1 Plus का 7T जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है। इसकी कीमत की अगर अपन बात करें तो करीब 40,000 के आसपास मार्केट में ये पड़ता है, और अगर अपन किसी ऑफ़र या कार्ड के थ्रू लेते हैं जैसे मैंने लिया है तो ये मेरे को 36,500 का पड़ा है। इसमें मैंने फर्स्ट सिल्वर कलर चूज़ किया है जो कि काफ़ी प्रीमियम दिखता है, और इसका जो मैंने वेरिएंट लिया है वो लिया है 128 GB वाला, 128 स्टोरेज, उसमें 8 GB रैम है। तो चलिए इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। बॉक्स ओपन करते ही वन प्लस की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं जो कि पढ़ता कोई नहीं। डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, हम इसको रखते हैं अभी साइड में। और ये रहा दोस्तों 1 Plus 7T जो कि काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है एकदम, और इसे आप वन हैंड यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कैमरा है ये भी बहुत काफ़ी, एक मिनट इसको मैं खोल कर आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, इसको काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला है ये स्मार्टफोन। और इसका जो कलर है मुझे बहुत प्यारा लगा, एक कलर ब्लू वाला भी आता है इसमें, बट ये कलर आप जब इसे सामने से देखेंगे तब और प्यारा लगेगा, और इसका कैमरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसमें सबसे अच्छी बात जो लगी, मैं पर्सनली रिकमेंडेड करूँगा कि एक तो इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जी हाँ, वन प्लस कहता है कि ये 20 मिनट के अंदर 60-70% बैटरी चार्ज कर देता है। तो एक तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है, आजकल हमें यही चाहिए। इसके अलावा हमें बॉक्स कंटेंट में मिलता है एक कैरी केस कवर जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, और यही वो चार्जर है वाप चार्जर जो इस फ़ोन को फटाफट चार्ज कर देता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सामने की साइड ये देखिए, वन प्लस की ब्रांडिंग, काफ़ी बड़ा चार्जर है। इसके बाद हमें मिल जाती है A2C केबल और सिम इजेक्टर टूल, वन प्लस की तरफ से एक वेलकम लेटर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेटर। तो फ्रेंड्स, इसे यूज़ करने पर भी काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आ रही है। इसका जो कैमरा है वो ट्रिपल सेटअप कैमरा है, और मेन कैमरा जो है वो 48 MP का है, और दूसरा जो कैमरा है वो है 12 MP का जो है टेलीफोटो कैमरा, और थर्ड जो कैमरा है वो है 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और हम बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरे की तो वहाँ पर भी हमको 16 MP का कैमरा मिलेगा जो कि इस फ़ोन को बना देता है काफ़ी बेहतर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।